गाइस मगरमच्छ को पानी का आतंक भी माना जाता है, जो एक बार इनके जबड़े में फंस गया उसका बचना इतना ही मुश्किल है जितना सूरज का मगरिब से निकलना। धरती पर जितने भी रेप्टाइल्स मौजूद हैं, इनमें सबसे खतरनाक पावरफुल बाइट फोर्स मगरमच्छ का ही होता है। जंगल में हर घड़ी जान का खतरा बना रहता है, मगर पानी पीते वक्त इस आफत का ध्यान आपने नहीं रखा तो फिर कभी ध्यान रखने लायक छोड़ेगा भी नहीं आपको। फिर चाहे शेर हो या हाथी, ये मगरमच्छ बड़े बड़े और खूनखार जानवरों का भी शिकार कर लेता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जीत मगरमच्छ की ही हो, कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब ये खतरनाक शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही मौके दिखाएंगे जब मगरमच्छ गलत ओपोनेंट से भिड़ जाता है। नंबर 1, जैगवार। इस क्लिप में देखिए कैसे ये जैगवार तेजी से दौड़ता हुआ पानी में छलांग लगाता है। ऐसा भी नहीं है कि आज इसका नहाने का दिल है, बल्कि ये मगरमच्छ के शिकार की फ्राक में है। जी बिल्कुल, इस बार मगरमच्छ ने नहीं बल्कि इस जैगवार ने मगरमच्छ से पंगा लिया है, और तारीख गवाह है कि जैगवार कभी मगरमच्छ से नहीं हारा, और इस लड़ाई का रिजल्ट भी कुछ ऐसा होने वाला है। जैगवार ने मगरमच्छ को गर्दन से दबोच रखा है और तब तक अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है जब तक मगरमच्छ जिंदगी की जंग नहीं हारा, और इसके बाद इसे खींचते हुए पानी से बाहर ले आया है। नंबर 2, वाइल्ड बीस्ट। हर साल करीब 25 लाख से भी ज़्यादा वाइल्ड बीस्ट कीनिया से तंजानिया की तरफ सफ़र करते हैं। इस माइग्रेशन का कारण है हरी घास के मज़े लेना। इस सफ़र के दौरान वाइल्ड बीस्ट के काफ़िले को रिवर पार करनी पड़ती है, और इसी नदी के बीच ये कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। नदी पार करते हुए इन्हें जिस सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है, इसका नाम आप जानते ही हैं। जी हाँ, इसका नाम है मगरमच्छ। इस क्लिप में मगरमच्छ ने वाइल्ड बीस्ट की टांग को पकड़ लिया है, मगर ये वाइल्ड बीस्ट इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और तभी हिपो नाम का एक फरिश्ता वहां पहुंच जाता है और इस वाइल्ड बीस्ट को मगरमच्छ के वार से बचा लेता है। नंबर 3, क्रोकोडाइल। जी हाँ, एक ही ब्रादरी में भी तो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जब दो क्रोकोडाइल आपस में लड़ते हैं तो ये नज़ारा देखने लायक होता है। वैसे तो ये इतने समझदार होते हैं कि आपस में नहीं झगड़ते, क्योंकि ये जानते हैं कि ताकत और बहादुरी के मामले में कोई भी किसी से कम नहीं है, और ऐसे में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना। मगर ये बात बच्चे नहीं समझते ना, इसीलिए मगरमच्छ के बच्चे अक्सर ही खाने को लेकर ऐसी किसी वजह से आपस में झगड़ने लगते हैं। नंबर 4, बैफलो। बैफलो के साइज की वजह से इस पर हमला करने से पहले शेर भी एक दफ़ा ज़रूर सोचता है, मगर जब बात पानी की हो तो बैफलो क्या, उधर तो हाथी भी सेव नहीं है। मगरमच्छ नाम का ये शैतान किसी को नहीं छोड़ता, मगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि पानी के बाहर भैंसों ने इसे पटक पटक कर मारा हो। इस क्लिप में देखिए जिधर ये भैंसें इस मगरमच्छ को इसकी नानी याद दिलवा रही हैं। इस क्लिप में मगरमच्छ ने भैंस को उसकी गर्दन से दबोच रखा है, लेकिन भैंस इतनी ताकतवर है कि वो मगरमच्छ को ही खींचकर पानी से बाहर ले आई है, और जब मगरमच्छ ने देखा यहाँ तो दुश्मनों की भीड़ जमा है तो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और वापस पानी में जाकर छुप जाता है। नंबर 5, एलिफेंट। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि पानी में तो भैंस क्या हाथी भी महफूज नहीं है, क्योंकि पानी का ये शिकारी जानवर किसी से नहीं डरता और हाथी जैसे बड़े जानवर पर हमला करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता, और वो हाथी की कमज़ोरी भी जानता है, और वो है हाथी की सूंड। इसलिए वो इसी पर वार करता है और ज़्यादातर हाथी के बच्चों का शिकार करता है। मगर हाथी को मात देना इतना भी आसान नहीं है, और कभी कभी इसे अपना वार उल्टा पड़ जाता है और अपनी इंसल्ट करवा बैठता है। इस क्लिप में देखिए जहां मगरमच्छ ने हाथी की सूंड पर अटैक किया और हाथी ने सूंड ही से इसे उठा उठा कर मारा है। नंबर 6, कैट। सुनने में ये बहुत फनी लग रहा है, लेकिन ये सच है कि मगरमच्छ बिल्लियों से भी हार चुका है। एक बार के लिए तो मगरमच्छ ने अपनी गर्दन हिलाकर बिल्ली को डराने की कोशिश की, मगर ये बात मगरमच्छ भूल गया कि दिखने में बिल्ली भला ही छोटी सी लगती है, लेकिन रिश्ते में शेर की मौसी लगती है। और इसी तरह जब बिल्ली ने मगरमच्छ को झापड़ रसीद किए तो ऐसे लगा जैसे होमवर्क ना करने पर टीचर स्टूडेंट को पनिश कर रही है,
और मगरमच्छ बिल्ली से मुंह की खाने के बाद वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तो गाइस ये थे कुछ मोमेंट्स जिनमें मगरमच्छ गलत ओपोनेंट से पंगा लेता है और फिर बुरी तरह से मात खाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें।